नेपाल और भूटान के अलावा अब हम म्यांमार भी जा सकते हैं बिना वीजा और पासपोर्ट के। कैसे? देखिए इस वीडियो को। तामू एक छोटा सा कस्बा है भारत और म्यांमार की सीमा पर। हम इस वक्त म्यांमार में हैं। इस वक्त सुबह के 8:30 बजे हैं। ये मोरे की सड़कें हैं, अंतिम गांव भारत का। ये मेरे साथ में मेरे दोस्त, मेरे गाइड राजकुमार, बिहार के हैं, यहाँ रहते हैं कई जनरेशन से। ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। सामने इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट है और यहाँ से हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। इस वक्त मैं हूँ म्यांमार के अंदर। ये म्यांमार का बाजार है। इस जगह का नाम है, क्या नाम है इस जगह का? नामफुलोंग। ये मोरे का बॉर्डर क्रॉस करते ही सबसे पहला बाजार पड़ता है और यहाँ पर इंडिया से और बर्मा से लोग आकर शॉपिंग करते हैं। बाजार का नाम है नामफुलोंग और यहाँ से तामू करीब 3 किलोमीटर दूर है। मोरे तामू बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इंडियंस और बर्मीज लोग तो पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इंडियंस से म्यांमार के लोग वोटर आई कार्ड या फिर आधार कार्ड रखवाते हैं और बदले में 20 रुपये देकर एक टिकट थमा देते हैं। तो 20 रुपये देकर आप मोरे से तामू जा सकते हैं। उसकी बाकायदा एक रसीद कटती है और अगर आपके पास वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो शायद आपको परमिशन ना मिले। मेरे साथ में मेरे साथी हैं राजकुमार। इनके पास में अभी इनकी उम्र शायद 12 साल है, 12-13 साल। तो इनके पास वोटर आई कार्ड नहीं था, स्कूल का आई कार्ड था। उसने नहीं माना पर उसने मेरे 20 रुपये और इनके लिए 50 रुपये फीस लेकर बिना किसी रसीद के हमें अंदर आने दिया। अभी मैंने एक ऑटो पकड़ा है। ऑटो रिक्शा में एक सवारी के 20 रुपये लगते हैं। ये मोरे से तामू जाने वाली सड़क है। बर्मा में लोग इंडिया में लेफ्ट में चलते हैं और राइट साइड से ऑपोजिट ट्रैफिक आता है। हाँ बेटा, हाँ हम लोग राइट साइड में चलेंगे, राइट साइड सामने वाला ट्रैफिक आएगा। मैं हूँ तामू में, तामू पहुँच चुका हूँ। मोरे से तामू करीब 15 मिनट का रास्ता है और ये तामू की एक लोकल मार्केट है। यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस भी आते हैं पर मोस्टली यहाँ बर्मा का ही सामान मिलता है, सब्जी से लेकर नॉन वेजिटेरियन, बर्तन, फ्रूट्स और भी काफ़ी कुछ इस लोकल बाज़ार में मिलता है। बताते हैं कि सुबह 7 बजे ही ये बाज़ार शुरू हो जाता है। यहाँ की महिलाएं खास तौर पे अपने गाल पर यहाँ और यहाँ ये खास तरह का एक लोशन, एक लेप लगाती हैं। और मेरे साथी राजकुमार ने बताया उसको तनखा बोलते हैं। उसको तनखा बोलते हैं। तनखा क्या बोलते हैं राजकुमार? तनखा। तनखा ओके।
तो अब राजकुमार बताएंगे कि उस लेप को क्यों लगाया जाता है। वो गोरा होने के लिए लगाता है और वो चेहरा कभी भी खराब नहीं होता है, बाएं आंख का बर्मन लोग का, और ये लगाने से बूढ़ी लोग कभी कुछ भी नहीं होता मरने का अलग भी। राजकुमार का कहना ये है कि उसको लगाने से आप बूढ़ी होने के बाद में भी आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। अभी देखना पड़ेगा, बूढ़ियों को चेक करने के बाद पता चलेगा कि वास्तव में ये चीज़ काम करती है या नहीं। ये बूढ़ी थी ओ मैं एक लेडी के साथ खड़ा हूँ, एक महिला के साथ में। ये मैडम है नेपाल से और बताती हैं कि ये काफ़ी जनरेशन्स पहले यहाँ म्यांमार में आके सेटल हो गई थी। मैडम थोड़ा सा ये बताइए, आप यहाँ पर क्या करती हैं? वही बिक्री करती हैं, दुकान बिक्री करती हैं। ये बता रही हैं कि ये दुकान में बिक्री करती हैं, तो यहाँ पर नेपाल से कब आई हैं आप? नेपाल से आया तो हमारा दादा दादी आया है। अच्छा, तो आपका घर कहाँ पर है अभी? हमारा घर इधर तमू में ही है। तमू में है जी। तो यहाँ पे सब लोग हिंदी जानते हैं? जानते हैं, यहाँ के लोग तो जानते हैं हिंदी। नहीं, मतलब जो यहाँ का म्यांमार का आदमी है, क्या वो हिंदी जानते हैं? नहीं जानता हिंदी, वो यहाँ के लोग नहीं जानते। नहीं जानते। पर आप जानते हैं? आप कैसे जानते हैं? हम लोग तो इंडिया का बॉर्डर में रहता है, इसलिए नेपाली है, नेपाली हिंदी तो एक जैसा होता है ना। ये एक और दुकान में इस वक्त एक और महिला बैठी हुई है उस तरफ, वो भी हिंदी जानती हैं। आप कहाँ से हैं? हम भी बर्मा का ही है ना। अभी बर्मा से हैं? हाँ। ओ, बर्मा अच्छा। में रहते तो बर्मा ही हो गया ना। हाँ हाँ, वैसे आपका पूर्वज, आप कहाँ से आए थे? हम लोग नेपाल में रहते थे, हम लोग बर्मा में आके बाबा आप गया ना। अच्छा अच्छा, तो आप नेपाली भी जानती हैं? हम लोग है ही नेपाली। आप नेपाली जानती हैं, हिंदी भी जानती हैं, बर्मीज भी जानती हैं? अच्छा अच्छा, थैंक यू। ओके, हिंदी तो अपना ही भाषा है। हिंदी अपना भाषा है। ओके, थैंक यू। हमारा हिंदू धर्म है ना। हाँ, हमारा हिंदू धर्म है ना। आपका धर्म हिंदू है? हिंदू धर्म का है हम लोग का। अच्छा अच्छा, जात तो नेपाली है पर धर्म हिंदू है। आप ठीक है, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा है। कहाँ से आया आप? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से आया जी। ओके थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। ये रास्ता इधर सीधा जा, इधर जाके सीधा रोड है, ऐसे रोड है, सीधा जाओ वहाँ पे, इधर दिखाई दे रहा है ना जो दिखाई दे रहा है, हाँ वही रास्ता सीधा जाओ वहाँ पे मिल जाएगा जी। Okay. अभी हम यहाँ से एक लोकल मंदिर की तरफ जाएंगे। क्या बोलते हैं इस मंदिर को? पुंगी चौक, बहुत बड़ा मंदिर है। क्या बोलते हैं? पुंगी चौक। पुंगी चौक, पुंगी चौक। ये क्या पगोड़ा है? ज्यादा करके बर्मा लोग उसकी पूजा करते हैं। बर्मा लोग उसकी पूजा करते हैं। ओके, अब हम लोग इस बाजार से लगभग बाहर आ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे पुंगी चौक के लिए। ये सीमेंट और चूना पड़ा हुआ है और राजकुमार जो मेरे साथ में हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोग सीमेंट और चूना डाल के अपने घर बनाते हैं। ये इस तरह से घर बनाते हैं लोग, देखने में काफ़ी इको फ्रेंडली लगते हैं, यानी प्रकृति के काफ़ी करीब हैं। यहाँ की लगभग सारी बस्ती लकड़ी और बांस के मकान बने हुए हैं और चूना और सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं और अब हम लोग पुंगी चौक की तरफ जा रहे हैं। पुंगी चौक एक बौद्ध मंदिर है और वो इस वक्त ठीक मेरे सामने वहाँ उस तरफ वो मंदिर है। बताते हैं कि 4 साल लगे थे वो जो सीढ़ी गोल गोल है उसको बनाने में, अभी हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचेंगे। ये है पुंगी चौक। और अब मुझे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। कितना ऊपर है राजकुमार?
दीवारों पर लिखने का शौक़ शायद हम इंडियंस को ही नहीं, यहाँ म्यांमार के लोगों को भी है। ये देखिए, मेरे दोस्त राजकुमार ने बताया है कि जितने भी लोग जो भारत से तामू आते हैं वो ज़्यादातर इस जगह पर ज़रूर आते हैं, पुंगी चौक। ये पुंगी उनके हिसाब से यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को बोलते हैं, और चौ मतलब होता है जगह, यानी बौद्ध भिक्षुओं की जगह। चौ मतलब, राजकुमार का मतलब है एक स्कूल, यानी ये बौद्ध भिक्षुओं का एक साधु लोगों का एक स्कूल है। तो और ये साथ ही तामू की सबसे ऊंची जगह भी है, सबसे ज़्यादा हाइट पर लोकेटेड एक जगह है। काफ़ी शांति है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, काफ़ी एक आश्रम जैसा फील यहाँ आता है। ये एक स्तूप, एक सबसे ऊंची जगह है, यहाँ पर आप ऊपर चढ़ के पूरा तामू और भारत देख सकते हैं। ये बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा। अच्छा लगा यहाँ आकर। तो जितने भी भारत के लोग हैं वो मणिपुर ज़रूर घूमने आएँ, और मणिपुर आते हैं तो इम्फाल से करीब 4 घंटे की दूरी पर है मोरे। मोरे एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए लोग रहते हैं। काफ़ी सारे दक्षिण भारतीय मुझे कल मोरे में मिले। मेरे साथी हैं राजकुमार, ये बिहार से आए हुए हैं, और काफ़ी सारे सरदार यहाँ पर हैं। गुरुद्वारा है जहाँ पर मैं रुका था मोरे में। और जो भारत के लोग हैं उनके लिए विशेष बात ये है कि उनको म्यांमार में आने के लिए, मतलब म्यांमार में जो सबसे पहला शहर है इस तरफ तामू, जो बॉर्डर से करीब 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक आने के लिए किसी खास परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड होना ज़रूरी है, जो म्यांमार के इमिग्रेशन वाले लोग, यानी म्यांमार के जो सरकारी अधिकारी लोग हैं, वो उसको रख लेते हैं और आपको एक रसीद दे देंगे। उसके बदले वापसी में आप उस रसीद को दिखाकर अपना आई कार्ड वापस ले सकते हैं, और 20 रुपये की फ़ीस देकर आप एंट्री कर सकते हैं म्यांमार में और तामू तक आ सकते हैं। तामू तक आने के लिए, ये 3 किलोमीटर का रास्ता पार करने के लिए, आप 20 रुपये ऑटो को देकर यहाँ तक आ सकते हैं। तो मणिपुर जब भी आएँ मोरे ज़रूर आएँ, और मोरे अगर आते हैं तो मुश्किल से 15-20 मिनट में आप तामू पहुँच जाएँगे। तामू आइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर जगह है, मोरे से काफ़ी सुंदर है। चौड़ी सड़कें हैं, म्यांमार की एक झलक आपको इस जगह पर दिख सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और ख़ासतौर पर पुंगी चौक आके। बाय।